उसके हिसाब से इस फैब्रिक को ले रही हूँ। इसके लिए मैंने साटन का फैब्रिक लिया है और नेट का फैब्रिक लिया है, इस टाइप का लेस लिया है, जिसे मैंने इस डिजाइन को मैंने इस तरह से पीस पीस कट कर दिया है। ये 10 पीस है, जितना लग सके उतना लगा सकते हैं आप। तो साटन फैब्रिक की लंबाई चौड़ाई मैंने रखी है 35 इंच की चौड़ाई रखी है और 5 इंच की लंबाई रखी है, ऐसा 2 पीस लेना है। और इसकी नेट फैब्रिक की रखी है 104 इंच की इसकी चौड़ाई रखी है और 5 इंच इसकी लंबाई रखी है प्लेट्स देने के लिए। और इलास्टिक 20 इंच का इस टाइप का इलास्टिक लेना है, इसे पतला भी आप ले सकते हैं। मैं कटोरी बनाने के लिए इस टाइप का प्लास्टिक का बॉटल टाइप का ले रही हूँ, इसमें एल्युमिनियम फॉइल को अच्छी तरह से लपेट देना है। उसके बाद डोरी को इस तरह फोल्ड करते हुए, मैं ग्लू गन का यूज कर रही हूँ, आप फेविकॉल से भी इसे बना सकते हैं अगर ग्लू गन नहीं है तो। इस तरह से लपेटते जाना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ग्लू गन की हेल्प से इस तरह से एक में ऊपर से डिजाइन दिया है, एक में इस तरह से डिजाइन दिया है अंदर एल्युमिनियम फॉयल। इस तरह से मैं 2 कटोरी बना ली हूँ, इसे मैं फैब्रिक कलर से कलर करूंगी। इसको आपस में अटैच कर देना है। एक साइड से अटैच हो गया है, नीचे से भी अटैच कर देना है, सीधा कर लेना है। सीधा कर लिया है। अब नेट वाले फैब्रिक को इसके ऊपर रखते हुए इस तरह छोटे छोटे प्लेट्स देके अटैच कर देना है। इस तरह से अटैच करने के बाद इसे इस तरह सीधा कर देना है और टॉप स्टिच सारे में लगा देना है। और जितना इलास्टिक का चौड़ाई है इसके हिसाब से एक स्टिच यहाँ लगाना है और एक स्टिच यहाँ लगाना है। दोनों साइड से स्टिच करने के बाद ये जो लैस है इसे आप इस तरह रखते हुए अटैच कर देना है इसके जस्ट ऊपर। इस तरह से सारे में अटैच करना है।